हेलो एवरीवन, नमस्कार। दिस इज अंशु भट्ट। एज यू ऑल नो, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। इनफैक्ट अभी मैं खलंगा में काफ़ी सारी एस्पिरेंट्स से मिला था और गांधी पार्क में भी ईमेल भी कई लोगों ने मुझसे पूछा था। स्पेसिफिकली वो लोग जो कि प्रीलिम्स 2024 दे रहे हैं, उनका ये तो था कि मतलब 20-30 डेज की आपने स्ट्रैटेजी तो बताई है, लेकिन हमको ये बताओ कि लास्ट के जो कुछ दिन होते हैं ना, उसमें क्या करना है आपको। कई लोग पूछ रहे थे कि हम लोग मॉक्स ज़्यादा दें या हम रिविजन करें या हम PYQ करें, तो मेरा मैं आपको ये बताऊंगा आपको क्या करना है और मेरा क्या रहता था। तो उस हिसाब से यू नो यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। तो मेरा क्या रहता था, इन द लास्ट टू डेज मैं ऐसे प्लान बनाता था, डेज को ब्लॉक्स में रख के दो दिन चार दिन। तो इसमें मेरा ये रहता था कि मैं 10-15 दिन में कम से कम दो बार तो हर सब्जेक्ट का रिविजन कर लूँ, अगर दो बार नहीं कर पाता तो एक बार कर लूँ। और मैं रिविजन किस तरह से करता था, मेरे पास अगर किसी के नोट्स होते तो नोट्स से पढ़ता था, वरना जो बेसिक बुक्स में मैंने अंडरलाइन करा हुआ था उससे पढ़ता था, और जो चीज़ें मुझे याद नहीं रहती थी तो उनको मैं अलग से पेज में नोट कर लेता था और फिर मैं उसको रिवाइज करता था। और जैसे हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोई बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम लोग उसको अलग से नोट डाउन कर ही लेते हैं, तो मैं वो नोट डाउन करता था, तो बाद में मैं उसको उसका रिविजन कर लेता था। और मेरा मेन फोकस तो मॉक्स में मेरा कभी मेन फोकस रहा नहीं, बल्कि अभी काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हमने ओपन मॉक टेस्ट दिए थे अलग अलग इंस्टीट्यूशन के तो हमारे नंबर अच्छे नहीं आ रहे, जिसकी वजह से वो बहुत डिप्रेस्ड है। तो मेरा तो उनसे यही जवाब रहता है कि मैं तो कभी ऐसे ओपन मॉक टेस्ट दिए नहीं, लेकिन आप दे भी रहे हो तो आप यू नो नंबर को दिल से मत लगाओ, आप ये देखो आपकी गलती कहाँ हुई है, आपकी गलती कहीं सिली मिस्टेक्स या किसी और वजह से तो नहीं हो रही है। और आप ये ज़रूर एक बार देख लो कि आप वो क्वेश्चन तो गलत नहीं करो जो सब लोग सही कर रहे हो, बेसिक क्वेश्चन आप गलत ना करो। बस आपको ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है, और बाकी आपको लग रहा है आपके किसी एक सेक्शन में बहुत ही गंदे नंबर आ रहे हैं या आप कर नहीं पा रहे हो, तो वो एक सेक्शन आप इंप्रूव कर लो। आपको लगता है कंटेंट की कमी है या कंटेंट यू नो उसमें गैप है, कंटेंट में नॉलेज में गैप है, तो आप एक बार वो रिवाइज कर लो। मेरा ज़्यादा फोकस रिविजन में रहता था, और एज सच PYQ तो मैंने खैर करे भी नहीं थे उसके, मतलब करे हुए थे दो बार पहले करे हुए थे, लेकिन ये लास्ट के 10-15 दिनों मैंने PYQ, जैसे लोग PYQ को एज अ टेस्ट सीरीज लगाते हैं, तो मैंने एज अ टेस्ट सीरीज तो नहीं लगाई थी। मैंने PYQ के जैसे नोट्स टाइप के बना रखे थे, तो एक बार मैं उसको रिवाइज कर लेता था। कई बार आप टेलीग्राम खोलोगे वहाँ पे आपको अलग अलग कॉपस के अलग अलग इंस्टीट्यूशन के PYQ के नोट्स मिल जाएंगे, तो मैं वो कई बार पढ़ लेता था। और ऐसे जैसे कोई नया मटेरियल आ रहा है तो बिल्कुल एक कर्सरी ग्लांस उसको दे दी, मुझे लग रहा है कि आर्ट एंड कल्चर मेरे थोड़ा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो कहीं से आर्ट एंड कल्चर के नोट्स ले लिए किसी अच्छे टीचर के मुझे लगे तो वो पढ़ लिया। तो ऐसे जल्दी जल्दी मैं करता रहा। इनफैक्ट एक चीज़ मैंने करी थी, जैसे इंडियन एक्सप्रेस के जो एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड होता है तो उसके 12 महीने के कंपाइलेशन मैंने एक बार पढ़ लिया था जल्दी जल्दी कर्सरी रीडिंग लास्ट के 20 डेज में, तो एक बार पूरा करंट अफेयर्स का रिविजन हो गया था। फिर ऐसे ही मैं और बताऊँ तो जैसे कई सारे अलग अलग टीचर्स करंट अफेयर्स के 12-12, 14-14 घंटे के लेक्चर डाल देते हैं, तो एक बार आप वो देख लेते हो तो एक बार हॉलिस्टिकली रिवाइज हो जाता है, ऐसा क्लोजर सा मिल जाता है। तो मैं वो देख लेता था अपने फ्री टाइम में। बाकी जैसे मैं आपको बताया था डॉक्यूमेंट्री मैं देखता था, तो डॉक्यूमेंट्री अपने फ्री टाइम में मैंने डॉक्यूमेंट्री देख ली। मॉक्स में मेरा कभी इतना ज़्यादा जोर रहा नहीं, ऐसे जब बच्चे सिमुलेटर लगाते हैं ना तो वो बैठ के शायद 2-2 घंटे के सिमुलेशन टेस्ट तो मैंने बहुत ही कम लगाए, और GS तो शायद 1-2 बार लगाए थे, CSAT तो मैंने बिल्कुल नहीं लगाया। मैथ्स के अलग करता था, इंग्लिश के अलग करता था, बीच में हो गया, लेकिन मुझे ये पता था कि एग्जाम के टाइम मैं 2 घंटे बैठ जाऊँगा। तो आपको भी वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी स्लीप साइकिल आपको उस टाइम ना सुधारना पड़ेगा। कई बार क्या होता है आपकी स्लीप साइकिल थोड़ी ख़राब हो जाती है क्योंकि आप लोग देर तक पढ़ते हो, आपको तो सुबह के टाइम आप थोड़ा मतलब टाइम से उठ जाओ पढ़ लो। और ये तो रहा एग्जाम टाइम। और हाँ, रिविजन में मुझे लगता है रिविजन पर ज़्यादा फोकस करो आप, मॉक्स आप थोड़े कम लोगे तो चल जाएगा, बट फोकस मोर ऑन रिविजन स्पेशली लास्ट के 6-7 दिनों में। और आप थोड़े दिन रिजर्व जैसे प्लान बनाते हो 20 दिन का, तो उसमें 5-6 दिन रिजर्व लेके चलो और सिर्फ 15 दिन का प्लान बनाओ। उससे क्या होता है कई बार आपको इमरजेंसी में इधर उधर जाना पड़ता है, तो वहाँ से फिर आप डेज को यू नो इधर उधर कर सकते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। बाकी मैं प्रीलिम्स के दिन की बात करूँ तो एक नाइट पहले की बात मैं करता हूँ, एक नाइट पहले कई लोगों को नींद नहीं आती, तो वैसे तो आप ट्राई करो कि आप टाइम से सो जाओ, लेकिन आपको नींद नहीं भी आ रही तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इधर टॉस करो उधर टॉस करो चल जाता है, 2-3 घंटे भी सोगे तो कोई बात नहीं चल जाता है, एक दिन हम लोग मैनेज कर लेते हैं। तो इतनी टेंशन की बात नहीं कि नींद नहीं आएगी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। बस एक बात आप ध्यान रखो, आप ना अभी से स्ट्रेस मत लो, क्योंकि अगर आप अभी से स्ट्रेस लोगे ना वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा एग्जाम के दिन को। तो आप अभी से थोड़ा अपना मतलब रिजल्ट की चिंता मत करो, जस्ट थिंक कि ये 15 दिन है, 20 दिन है, 25 दिन है, इसमें आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है, अपना बेस्ट दो और बस नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचो। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम दिया जलाते हैं तो हम चलते हैं, जब दिए के लॉ में तो दूर दूर तक अंधेरा फैला रहता है, बस हमें इतनी रोशनी मिलती है कि हम लोग अपना नेक्स्ट स्टेप देख पाए। तो बस आपको अपना नेक्स्ट स्टेप ही देखना है, दूर दूर तक चाहे अंधेरा फैला हो लेकिन दिए की रोशनी से थोड़ा आपको 2-3 कदम तो दिखे जाते हैं, तो बस आपको उतना ही फोकस करना है। अभी ये 10-15 दिन 20 दिन अच्छे से आप पढ़ो और एग्ज़ाम के दिन अच्छे से दो, तो मेरे ख्याल से शॉर्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम के रिजल्ट के बारे में इतना मत सोचो, और एग्ज़ाम से एक दिन पहले बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, तो मैं कहूँगा कि यू नो कुछ ऐसी चीज़ गाने सुन लो, आपको गाने पसंद है
वरना थोड़ा आप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करोगे ना अनुलोम विलोम, तो उतने बिल्कुल ब्रेथ ना रेगुलेट हो जाती है, तो एंग्जाइटी और ये स्ट्रेस होता है वो भी बहुत नीचे आ जाता है। और बल्कि मैं सजेस्ट करते हुए एक बार ना सब बच्चे अपने जैसे CBC हो गया, और मतलब जो मतलब साल साल भर हम लोग टेस्ट कराते हैं, लेकिन कई बच्चे होते हैं वो टेस्ट नहीं करवाते ब्लड टेस्ट वगैरह, तो एक बार वो करवा लो। कई बार क्या होता है हीमोग्लोबिन कम होता है किसी का, किसी के RBC काउंट कम होता है, किसी के विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, तो पता लग जाता है। कई बार ऐसा होता है पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई नहीं हो रही, मन नहीं लगता, तो कई बार वो इस वजह से भी लगता है। तो आपको लगता है कोई बहुत ही ज़्यादा इशू है, तो एक बार अपने आपको मेडिकली लो, टेस्ट करवा लो कि CBC वगैरह और ये विटामिन के टेस्ट करवा लो, तो इससे आपको एक बार पता लग जाएगा कि कोई मेडिकल इशू तो नहीं है इस बारे में। और बाकी अपने खान पान का आप ध्यान रखो, मैं तो खैर अभी कॉफ़ी पी रहा हूँ, लेकिन आपको देखना है कि आप अभी बाहर का ज़्यादा ना खाओ, क्योंकि बीमार होने के चांसेस हो जाते हैं। स्पेशली अभी आप देखोगे मौसम भी चेंज होता है, तो बुखार बुखार हो जाता है बच्चों को, कई बच्चों को एग्जाम की टेंशन से बुखार हो जाता है, तो आपको वो नहीं करना। और एक दिन पहले आपको एग्ज़ाम के बारे में सोचना, एक दिन पहले यू नो जस्ट आप यू नो बी विथ योर फ्रेंड्स विथ योर फैमिली, उनसे बात करो, थोड़ा हंसो, खुश हो जाओ। मतलब एग्ज़ाम को हम बोलते हैं कि हम लोग बहुत भारी मन से लिखते हैं, इसे त्यौहार की तरह लेना चाहिए हमें। स्पेशली एक दिन पहले अपना थोड़ा रिलैक्स करो, चिल करो, यू नो थोड़ा डिस्ट्रेस हो जाओ, पेरेंट्स से बात करो, फ्रेंड्स से बात करो, तो आपको भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा, आप भी थोड़ा डिस्ट्रेस रहोगे। और एग्ज़ाम के दिन की अगर मैं बात करूँ ना, तो वही है अपना बैग एक दिन पहले लगा लो। कई बच्चे करते हैं ना सुबह उठते हैं फिर अपना मटेरियल वटेरियल उठाते हैं, और कई बार तो मैंने देखा है बच्चे जैसे आते हैं तो जैसे एक एक सिटी में एक नाम से 2-3 स्कूल्स होते हैं, तो गलत सेंटर में पहुंच जाते हैं। मैंने खुद देखा कई बार मैं फिल्म से इतने आता था, तो बच्चे दूसरे सेंटर का बच्चा मेरे सेंटर में पहुंचा हुआ है, वो बेचारे को स्ट्रेस हो गया कि मैं कैसे पहुँचूँ, तो अगर हमारे पास रहती है सुविधा तो हम पहुँचा देते हैं उसको। तो आपको देखना है कहीं आप एक दिन मतलब एक दिन पहले किसी को भेज दो अपना सेंटर देखने के लिए, वही सेंटर है कि नहीं है। कई बार क्या होता है हम लोग गलत सेंटर पहुंच जाते हैं, तो एक बार अपनी सेंटर की इन्फॉर्मेशन ले लो, और फिर अपने जो बैग होता है ना पहले से ही चेक कर लो कि मतलब सब कुछ हम रख लिया, पेन रख लिया, मेल्स का एडमिट कार्ड रख लिया, और जो भी आपको चीज़ें चाहिए वो आपने रख ली कि नहीं रख ली, ठीक है, कि आपको सुबह फिर टेंशन ना रहो कि आप एडमिट कार्ड ढूंढ रहे हो या पेन ढूंढ रहे हो। तो आराम से जाओ, पेपर लिख लो, पेपर लिखने से पहले थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर लो, विनिंग पॉस्चर में रहो, तो आप विनिंग पॉस्चर में रहोगे तो आपका माइंड भी अच्छा रहेगा, फ्रेश रहेगा, ठीक है। थोड़ी ब्रीथिंग एक्सरसाइज अनुलोम विलोम कर लो, तो इतना आपको स्ट्रेस एंग्जाइटी कम हो जाएगी। आपने GST पेपर लिखोगे तो बिल्कुल आराम से लिखना, मैंने पहले बताया भी है कि अटेम्प्ट कैसे करता है, कि आइटरेशन से मैं करता था, आपको अच्छा लगता है वो कर लो, एक आइटरेशन में करना है, एक आइटरेशन में कर लो, ठीक है। और OMR जैसे हमें 6-7 क्वेश्चन के बाद मैं फिल कर देता था, कई बच्चे करते हैं लास्ट तक रखते हैं, कई बच्चों के लिए वो वर्क करता है, कई बच्चे लेकिन मतलब स्ट्रेस में आके लास्ट में ढंग से वो फिल नहीं कर पाते, तो मैं तो 6-7 क्वेश्चन के बाद फिल करता था, तो आप वो भी कर सकते हो। और फिर एग्ज़ाम के बाद ना गैप आता है 2-3 घंटे का ना GS और CSAT के बीच में, मुझे लगता है वो गैप बहुत इंपॉर्टेंट है। उस गैप में यू नो आपको अपनी बॉडी को बिल्कुल अच्छे से रेस्ट देना है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं GS में पढ़ते हैं तो हम लोग थोड़ा थक जाते हैं, तो उस 2-3 घंटे में आपको CSAT पे थोड़ा रिवाइज करना है, कर लो, लेकिन अपनी बॉडी को अच्छे से रेस्ट दो। आपके पास अवेलेबल है रूम तो रूम में चले जाओ, नहीं है तो आप पेड़ की छाया में या कहीं छायादार जगह में बैठ जाओ, थोड़ा रिलैक्स करो, और मतलब हीट स्ट्रोक से बचो, पानी वानी अच्छे से पी लो। अगर आप कॉफ़ी वगैरह पीते हो तो आप एग्जाम से पहले फिर CSAT एग्जाम से पहले ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो, मैं पी के जाता था, थोड़ा सा मतलब ऐसे शार्प रहता था माइंड, मतलब नींद नहीं आती थी, तो आप वो भी कर सकते हो। और स्पेशली CSAT के टाइम ना कई बार ऐसा भी होता है कि मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो उस टाइम आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको लगता है कोई बात नहीं ये सॉल्व होगा, नेक्स्ट वाला हो जाएगा, नेक्स्ट वाला नहीं उसके बाद वाला हो जाएगा, 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई बात नहीं, जितनी भी हो रही कर लो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप निकाल लोगे नंबर। तो कभी भी आपको ऐसे CSAT के एग्जाम देना, स्पेशली जिनका CSAT कमजोर है, ऐसे होप लूज नहीं करना। मैं देखता हूँ कई लोगों का मैथ्स अच्छा होता है, कई लोग साइंस बैकग्राउंड से होते हैं लेकिन फिर भी वो फ्लंक कर जाते हैं CSAT में, वो इसी वजह से करते हैं क्योंकि वो ना स्ट्रेस ले लेते हैं, वो कहते हैं यार होगा कैसे होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने रखते हैं। तो मेरा आपसे ये है कि उस टाइम ओवरथिंक मत करो, यू नो जस्ट डू द वर्क। तो आई थिंक यही था CSAT, मैंने आपको बता दिया एग्जाम के दिन का आपका क्या रहेगा और पहले को क्या करेगा, प्रोकास्टिनेशन आपको नहीं करना है। इनफैक्ट सब लोग कहते हैं जैसे 12 घंटे पढ़ना है, 14 घंटे पढ़ना है एग्जाम से पहले, मैं भी कहता हूँ, लेकिन द थिंग इज कई दिन ऐसे होते हैं हम नहीं पढ़ पाते, मेरे साथ हुआ था 2 घंटे पढ़ पा रहा हूँ, मैं 1 घंटे पढ़ पा रहा हूँ, फिर सोच के और भी स्ट्रेस हो जाता है यार पढ़ानी है आज तो पढ़ानी, ये हो गया वो हो गया। तो अगर आप अभी तक आपने यू नो टाइम वेस्ट करा है कोई बात नहीं, लेट इट बी, तो आज से अभी से बस लग जाओ, 2-4 घंटे जितना भी पढ़ पा रहे हो पढ़ो, ठीक है, बस स्ट्रेस मत लो, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते जाओ और कोशिश करो कि आप 10-12 घंटे पढ़ सको। दैट वॉज माई मैसेज टू यू ऑल, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। और कॉफ़ी से मैं बात करूँ तो कॉफ़ी का भी देख लेना, कई बार पिछली बार वो आ गया था टी बोर्ड का और कॉफ़ी बोर्ड का क्वेश्चन वगैरह, तो देख लेना। हाँ ये थे ताकि पढ़ने से पहले जैसे मैं बताता हूँ लूसेंट वगैरह देख लेना एक बार ना, तो उसमें हिस्ट्री का काफ़ी समराइज रहता है, लक्ष्मीकांत में जो थ्योरेटिकल वाले पार्ट होते हैं आगे वाले, फंडामेंटल राइट्स वगैरह और थ्योरेटिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब पढ़ के चले जाना,
जैसे ईश्वरानंदा भाटी का शायद 50 ईयर भी कंप्लीट हुए थे पिछले साल ना, पिछले साल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था वो आया नहीं था, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। तो ऐसे ऐसे आप थोड़ा देख लेना, आपको कोई लगता है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कोई आ सकता है तो उसके बारे में पढ़ लेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक बॉन्ड काफी न्यूज में था तो उसके बारे में हो सकता है कुछ पूछ ले, कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में पूछ ले, RBI के बारे में पूछ ले, ठीक है, वो सब के बारे में पूछ ले। तो हो सकता है इन्फ्लेशन के बारे में पूछ सकते हैं आपके, तो यू नो थोड़ा मतलब देख लो, आपको लगता है कोई आपका कोई टॉपिक रिविजन के लिए बचाओ, रिवाइज कर लो। कई बच्चे बोलते हैं कि हमारा बहुत सारा बचा है, हम क्या करें हम क्या करें, तो मेरा रहता है कि प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ, कौन से टॉपिक से ज़्यादा आते हैं और कौन सा टॉपिक आपका बचा हुआ है पढ़ने के लिए, तो उस प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से आप कर लो। तो नीचे नीचे के कम प्रायोरिटी वाले टॉपिक छूट भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, आपके ऊपर वाले प्रायोरिटी वाले टॉपिक तैयार हो जाएंगे। और CSAT और CSAT करंट अफेयर्स का भी देख लेना, करंट अफेयर ईयरली कंपाइलेशन से कर लेना अगर अखबार नहीं पढ़े, कोई बात नहीं। और लोग बोलते हैं हमने मंथली नहीं पढ़ी, यानी अगर आप, मैंने भी नहीं पढ़ी थी पिछली बार मंथली, मैं सिर्फ ईयरली कंपाइलेशन पढ़ने गया था, तो दैट वर्क फॉर मी, आई थिंक दैट विल वर्क फॉर यू एज वेल। सो आई थिंक दिस विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड अभी तक। थैंक यू फॉर लिसनिंग। ओके, बाय बाय।